लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हवाई यात्रा देखने में सुविधाजनक लगती है, लेकिन अगर आप एक जोखिम भरे हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग कर रहे हैं तो अनुभव काफी डरावना हो सकता है। कुछ ऐसे ही डरावने हवाई अड्डों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। केवल 400 मीटर की लंबाई में डच कैरेबियन द्वीप के साबा पर जुआंचो इरा सुखविन हवाई अड्डे को दुनिया में सबसे कम वाणिज्यिक वायु पट्टी रखने के लिए जाना जाता है। रनवे पर लैंडिंग काफी जोखिम भरी होती है। यहां बेहद कुशल पायलटों के लिए भी एक चुनौती भरी लैंडिंग होती है। भूटान में यह हवाई अड्डा पर्वत शिखर से घिरा हुआ है जो 18,000 फीट जितना ऊंचा है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। रनवे स्ट्रिप केवल लगभग 6,500 फीट लंबी है, जिस पर बड़े विमानों को तेजी से कंट्रोल बनाना पड़ता है। केवल कुछ चुनिंदा पायलट ही इस हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए प्रमाणित हैं। राजकुमारी जूलियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैरिबियन द्वीप सिंट मार्टन पर स्थित है। इस हवाई अड्डे पर उतरने के लिए पायलटों को पहले समुद्र तट के एक छोटे से हिस्से पर उड़ना है, एक बाढ़ पार करना, सड़क पर गुजरना है और फिर रनवे तक पहुंचना है। रनवे खतरनाक है क्योंकि पायलट पानी पर उड़ते समय उनकी कथित ऊंचाई के बारे में विचलित हो सकते हैं। रनवे से प्रस्थान मार्ग में पहाड़ों से बचने के लिए आवश्यक मोड़ के साथ दृष्टिकोण से अधिक कठिन माना जाता है। नेपाल में स्थित लुक्ला हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप्स बहुत कम है। इसे टेंजिंग हेलेरी एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह 8,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसमें लगभग कोई आधुनिक वायु यातायात नियंत्रण सुविधाएं नहीं है।